हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ साइनस के इलाज के बारे में, जो कि आपने घर पर करना है। इसे करने के पहले दिन में ही आपको इसका असर दिखने लगेगा और 2 से 3 दिन के अंदर ये बीमारी भी चली जाएगी। साथ में इस वीडियो में आपको बताऊंगी क्या साइनस के इन्फेक्शन को, जिसे साइनोसाइटिस कहा जाता है, परमानेंटली ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं साइनस है क्या। साइनस जो है वो हमारे माथे पर ये दो जगह और हमारे नाक के इन दोनों तरफ खाली भाग को कहते हैं, जहां आपको डॉट के द्वारा, एक बिंदु के द्वारा दिखाया जा रहा है। यही खाली भाग साइनस कहलाता है। इसके अंदर म्यूकस यानी कफ बनता है और नाक के द्वारा बाहर निकल जाता है। जब भी किसी इंसान को सर्दी होती है तो नाक के द्वारा यहाँ म्यूकस बनकर नाक के द्वारा बाहर हो जाता है। ये थोड़ा सा तो म्यूकस हमेशा ही हमारे साइनस वाले एरिया पर रहता है, ताकि हमारा नाक सूखे नहीं, वहाँ खिंचाव नहीं पड़े। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि साइनस की समस्या पैदा कैसे होती है। जब किसी भी इंसान को कोल्ड यानी कि सर्दी हो जाती है तो साइनस वाले इस एरिया पर, जहाँ पर म्यूकस बनता है, कफ बनता है, तो यहाँ जरूरत से ज्यादा म्यूकस बनने लगता है और धीरे धीरे यहाँ पर सूजन आ जाती है। उस एरिया पर सूजन आ जाती है जिस गेट से म्यूकस ने निकल कर नाक की तरफ जाना था, यानी कि वो म्यूकस, वो कफ नाक के द्वारा बाहर नहीं निकल पाती और वहीं दबाव डालने लगती है, जिसके कारण जिसको भी साइनोसाइटिस हो जाता है उसको ये लक्षण दिखाई देते हैं कि उसको सिर दर्द रहने लगता है, अच्छे से सांस नहीं ले पाता, नाक भी भारी भारी सा महसूस होता है, आवाज भी बदल जाती है। तो ये सारे लक्षण उसी कंडीशन में दिखाई देते हैं, क्योंकि हमारे नाक जहाँ स्टार्ट होता है वहाँ पर सूजन आ जाती है। तो दोस्तों, अब आपको ये तो पता चल ही गया कि साइनोसाइटिस की आखिर वजह क्या है। ये है ब्लॉकेज। घर पर इसका बेस्ट ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। अगर आपने 3 दिन, दिन में 3 से 4 बार इसका इलाज कर लिया, इस तरीके से कर लिया जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तो मैं आपको 100% कह सकती हूँ कि ये समस्या आपकी चली जाएगी। ये भी आपको बताया जाएगा कि परमानेंटली जाने के लिए आपको क्या करना होगा। दोस्तों, आपने क्या करना है, एक बड़ा बर्तन लेना है और उसके अंदर गर्म पानी डाल लेना है, और इस गर्म पानी के अंदर आपने 1 चम्मच विक्स डाल लेनी है। दिन में 3 बार आपने ऐसे ही भाप लेनी है, हर बार गर्म पानी करके और नई विक्स डालकर और ऊपर अपने सिर के ऊपर एक तौलिया डालकर, ताकि जो एरिया है जहां से वो सूजन आ चुकी है नाक का, वो साइनस वाला जो एरिया है जहाँ सूजन आई है, वो सूजन दूर हो सके और जितना भी म्यूकस बन रहा है वो बाहर निकल सके। दोस्तों, ये तो इलाज था उस सूजन को दूर करने का। अब बात ये आती है कि ज्यादा म्यूकस जो बन रहा है उसको कैसे दूर किया जाए। तो इसके लिए दोस्तों आपने क्या करना है, 1 चम्मच आपने जीरा लेना है और कोई भी रुमाल ले लीजिए, उसका लेयर ज्यादा नहीं करनी, यानी कि एक ही कपड़ा उसके ऊपर होना चाहिए। उस 1 चम्मच से आपने एक पोटली तैयार कर लेनी है। मान लीजिए आपने जीरे की एक पोटली तैयार कर ली और इसे दिन में 4 बार 5 बार ऐसे ही सूंघते रहिए। ऐसा करने से म्यूकस ज्यादा नहीं बनेगा, जिसके कारण की दबाव बढ़ता है या सूजन आ जाती है। इसके अलावा दोस्तों, आपने एक काम और करना है, आपने अपने खाने के अंदर सौंठ और काली मिर्च का सेवन ज्यादा करना है, ताकि जिनके भी शरीर की प्रकृति कफ वाली है वो चेंज हो सके, कफ शरीर में कम बने, बलगम कम बने, म्यूकस कम बने, ताकि ये साइनोसाइटिस की समस्या आपको हो ही ना। आप चाहें तो इसे सब्जी में मिक्स करके ले, यानी काली मिर्च और सौंठ का सेवन। आप चाहें तो काली मिर्च और सौंठ की चाय बनाकर भी पी सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही आसान सा इलाज है। आपने दिन में 2 से 3 बार करना है और आपने 3 दिन रोजाना ऐसे ही करना है, यानी कम से कम आपने 9 बार भाप जरूर लेनी है। जब आप भाप लेंगे, यानी कि स्टीम ब्रीथिंग करेंगे, जिसे कहते हैं भाप को सूंघना, ऐसा करने से नाक के उस एरिया की सूजन दूर हो जाएगी और आपको अच्छे से सांस आने लगेगा और आपको जो सिर दर्द हो रहा था, दबाव हो रहा था, वो भी दूर हो जाएगा। दोस्तों, इस समस्या को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। जैसे कि इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि क्या साइनोसाइटिस की समस्या को पूरी तरह से दूर किया जा सकता है, तो किया जा सकता है। दोस्तों, आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाइए। इसके अलावा जब भी आपको कोल्ड हो या फिर ऐसे लगे कि कोल्ड होने वाला है, हल्का हल्का सा फील हो रहा है, तभी आप भाप लेना शुरू कर लीजिए। दिन में 2 से 3 बार ये समस्या तो होगी ही नहीं, 1-2 बार ऐसे ही होगा, उसके बाद आपको ये समस्या नहीं होगी। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी, ये जानकारी यहीं तक थी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, आपके काम की है, तो
इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक, आपका प्यार मुझे मोटिवेट करता है। और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब भी जरूर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि बहुत सारे लोगों को इस समस्या का हल मिल सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।